खबर ऐसी जिसने हिंदुस्तान को दहला दिया। आज सुबह जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में फायरिंग हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। फायरिंग करने वाला आरोपी चेतन नाम का आरपीएफ का ही जवान है। जयपुर मुंबई ट्रेन में गूंजी गोलियां, सिपाही ने धनाधन की फायरिंग। एएसआई समेत 4 की मौत, आरोपी सिपाही गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए इसी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सिपाही चेतन राम पर आरोप है कि उसने मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन की B5 बोगी में गोलियां बरसा दी। फायरिंग सिपाही ने अपने सरकारी हथियार से की, ट्रेन की बोगी की खिड़की के आर पार गोलियां हो गई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एएसआई टीकाराम मीणा समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इनके शव मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर उतारे गए। गनीमत रही कि बाकी मुसाफिर सुरक्षित रहे। फायरिंग की यह घटना बोरीवली मेरा रोड स्टेशन के बीच हुई। आरोपी सिपाही भी इसी ट्रेन में ड्यूटी पर था। उसी ट्रेन के बोगी के पास पहुंच गए हैं जहां पर जिस बोगी में यह घटना हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो दरवाजा है। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये गोली का निशान है। जो एक कांस्टेबल ने जो गोली चलाई थी, एक मिसफायर हो गई थी और जो इस दरवाजे पर आके लगी थी, ये वो गोली के निशान है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये वो बोगी है जिसमें ये घटना घटी थी। यहीं पर वो सारा हादसा जो है वो हुआ। ये दोनों जो है मुंबई ऑफिशियल काम के लिए आ रहे थे। दोनों के पास सर्विस वेपन थे और साथ ही जो अन्य यात्री थे वो भी यहीं पर बैठे हुए थे। जो अन्य जो 3 यात्री इस हादसे में जो जिनकी मृत्यु हुई है वो भी इसी बोगी में बैठे हुए थे। फायरिंग के बाद चेन खींचकर आरोपी सिपाही चेतन राम ने भागने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहा। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों के इंजरी की खबर आई है। पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज एन आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों जो है अंबेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवार जनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है। चेतन राम को बोरीवली पुलिस स्टेशन लाया गया है जहां लगातार उससे पूछताछ हो रही है। अभी फायरिंग की वजह पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अब आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं हमारे सहयोगी की जिससे आप समझ पाएंगे उस वक्त स्थिति वहां क्या थी। जो गोली के निशान की हम बात कर रहे थे वो जैसा कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर इस दरवाजे पर आप देख सकते हैं। फिलहाल एक ही गोली के निशान है जो यहाँ पर देखा जा सकता है। और भी शायद मिसफायर हुए हों लेकिन अभी तक कितनी बार फायरिंग हुई या कितना फायर हुआ इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है ऑफिशियली। लेकिन जो एक जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है, जैसे 4 लोगों की मृत्यु हुई थी तो 4 गोलियां वो चली और एक जो गोली यहाँ पर मिस फायर हुई है वो, यानी 5 गोलियां तो यानी 5 राउंड की फायरिंग तो लगभग हुई है ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं आई है। पूरा जो ये एक तरह की से अभी जो बोगी है वो एक क्राइम सीन है और इसीलिए इसको सील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की मनाही नहीं है। पुलिस ने जो है वो पूरा पुलिस ने जो है इस प्लेटफॉर्म को एक तरीके से पूरी छावनी में बदल दिया है। आप देख सकते हैं पुलिस का काफी हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर किया गया है। अन्य जो यात्री थे वो उनको पहले ही वो भी उतर गए थे और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं रेलवे पुलिस हो मुंबई पुलिस हो उनके जवान जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और वो इस पूरे मामले की जो है वो छानबीन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आरपीएफ के लोग भी हैं, मुंबई आरपीएफ के वो भी यहाँ पर आ गए हैं और वो भी इस मामले में जो है पुलिस की तहकीकात में जो है वो मदद कर रहे हैं। जयपुर से निकली थी और जयपुर से होकर ये मुंबई सेंट्रल आने वाली थी लेकिन इसका रूट जो था वो गुजरात के थ्रू था और गुजरात से ये गाड़ी मुंबई के लिए जब रवाना हुई तो पालघर और दहीसर के बीच में ये घटना घटी। यानी पालघर से दहीसर के बीच में जितने स्टेशन आते हैं गुजरात और मुंबई के मिलाकर उन पे वो रुकने वाली थी क्योंकि जहां तक है ये आगे एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो
आगे चलकर लोकल हो जाती है, लेकिन फिलहाल सुबह का समय था तो काफी जो लोकल लोग हैं, जो रोज के लोग हैं, रोज सफर करने वाले लोग हैं, वो इसमें नहीं चढ़े थे। जो गुजरात से निकले थे, जो जयपुर से निकले थे, वही लोग इसमें सफर कर रहे थे और वही यात्री इसमें थे, और इसीलिए इस ट्रेन में जो भीड़ थी वो भी ज्यादा कही जा सकती है, क्योंकि एक पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन थी और इसमें काफी लोग सफर कर रहे थे। लेकिन चार लोग जो थे वो कांस्टेबल और उसके आसपास ही बैठे थे, और इसीलिए जब ये गोलियां चली, जब ये फायरिंग हुई, तो वो उस फायरिंग के जद में आ गए